कानपुर के सीसामऊ में उपचुनाव हो रहे हैं और इसकी पूरी तैयारियों के साथ साथ यहां पर सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। और अब भाजपा ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि यहाँ से जो विधायक थे पहले इरफान सोलंकी, जिनकी पत्नी नसीम सोलंकी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, बीजेपी ने अब इरफान सोलंकी के ऊपर बड़ा आरोप लगाया है और ये कहा है कि बांग्लादेशियों को संरक्षण देने का जो काम है वो भी इरफान सोलंकी करते थे। और इसके साथ ही साथ उन्होंने और भी कई आरोप लगाए हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद नसीम सोलंकी मौजूद हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। नसीम जी, सबसे पहले तो बीजेपी ने आरोप लगाया है कि इरफान सोलंकी जो गाड़ियां पलटी हैं पीछे, उसके पीछे जो ताकतें थी कहीं ना कहीं वहाँ से सपोर्ट था, प्लस बांग्लादेशियों वाली जो बात थी कि बांग्लादेशियों को संरक्षण इरफान सोलंकी देते थे, तो ये बहुत सारे आरोप लगाए हैं, इस पर आपको क्या कहना है? बांग्लादेशी वाला जो आरोप लगा है वो तो देखिए झूठा ही हो, आरोप तो सारे ही झूठे, जितने मुकदमे हो सारे झूठे। हालांकि बांग्लादेश का जो था उसमें फॉरेंसिक की रिपोर्ट फेवर की आई है विधायक जी के, तो उसमें कोई सच्चाई नहीं है। अब बीजेपी ने एक आरोप और लगाया है कि जैसे आप मंदिर में गई थी, आपने जलाभिषेक किया था, उसके बाद बीजेपी ने कहा कि अब पूरे क्षेत्र में करीब 125 मंदिर हैं, तो आपको एक ही की सुधाई चुनाव की वजह से, क्या आप बाकी मंदिरों में जाएंगी, क्या उनका जीर्णोद्वार कराएंगी अगर आप जीतती हैं तो? देखिए, जब एक इंसान विधायक बनता है या प्रतिनिधि बनते हैं तो आपको जनता चुनती है, तो यही मेरे ससुर साहब को भी जनता ही चुनती थी और मेरे शौहर को भी चार बार से उन्होंने ही जनता जनार्दन ने उनको जो हीरो बना रखा, अपने दिलों के भी हीरो है, इरफान सोलंकी तो है हीरो। तो खैर, जनता ही आपको चुनती है उन कामों के लिए और अल्लाह ऊपर से ताकत देता है कि आप कहते हैं कि जो बंदा जिस लायक होता अल्लाह उनसे वो ऐसा काम लेना जानता है। तो हमें लगता है कि अगर हमारे अल्लाह हमें पावर दे और हम काम करा सकते हैं तो मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे चर्च कोई वो नहीं है। आपका जो है पैसा सरकार का लग रहा है, पैसा उन्हीं पब्लिक का पैसा है, उन्हीं के पास पहुँच रहा है, तो उसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। इस पूरे प्रकरण के बाद एक फतवा भी जारी हुआ था, तो अब बीजेपी का कहना है कि ये असली लड़ाई जो है वो अब मौलाना और फतवे और नसीम सोलंकी के बीच की है, क्योंकि फतवा जारी होने के बाद ऐसा माना जाता है कि सारे जितने भी मुस्लिम हैं उनको वही करना पड़ता है जिसके फतवा जारी हुआ है। तो क्या अब ये लड़ाई मौलाना फतवे और रसीब सोलंकी के बीच की है? ये मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। हालांकि जो फतवे वाली बात है उस पर जो हमारे धर्म के गुरु है या हमारे जो मौलाना और मौलवी साहब है उन्होंने जो बोला उस चीज़ का हम ख्याल रखेंगे। हालांकि मेरा ईमान और मेरा जो ईमान है बहुत मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। हम कलमा पढ़ के उठते हैं, तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं, तो उसमें हमें देखिए बहुत टिप्पणी है, कुछ कहना नहीं है, वो तो बहुत कुछ कहती है। वो चुनाव का मौका है, गंदगी भी होगी, कीचड़ भी उछाला जाएगा, बहुत कुछ हो रहा है, पर उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ईमान बहुत मजबूत है। इस पूरे प्रकरण के बाद क्या ऐसा हुआ है जब आप क्षेत्र में गई हैं तो कहीं पर मुस्लिम वोटर्स की तरफ से या जो सीसामऊ की जनता है उनकी तरफ से कुछ आपके पास आया है कभी कि आपको ये करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? किस बारे में? जो आपने जलाभिषेक किया था और जो मंदिर में गई थी उस संबंध में? नहीं, कोई प्लान नहीं था और कुछ वो अचानक ही हुआ। वो सारी चीज़ें अचानक ही हम राजनीति में आ गए, अचानक ही सारी चीज़ें हो गई, अचानक विधायक जी को जेल जाना पड़ा, तो वो कोई प्लान कभी था ही नहीं किसी चीज़ का। अब उन लोग की तरफ से कोई प्लान हो तो हम बता नहीं सकते। तो आप थी नसीम सोलंकी जिनका ये कहना था कि पहले से कोई भी प्लान नहीं था, इरफान के साथ जो हुआ वो भी अचानक हुआ, वो राजनीति में आई वो भी अचानक हुआ, और जो मंदिर में जलाभिषेक किया वो भी अचानक हुआ। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अगर वो विधायक बनती हैं तो जैसा कि बीजेपी कह रही है कि क्या मंदिर का जीर्णोद्वार कराएंगी, तो नसीम सोलंकी का कहना है कि बिल्कुल करवाएंगे, और सिर्फ मंदिर का ही नहीं बल्कि मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा जहाँ पर भी ज़रूरत होगी उसका ज़रूर करवाएंगे। अनुराग अग्रवाल, TV9, कानपुर।